तो अपने दीदी को देखने के लिए आए हैं सारे बाराती, आप लोग देख सकते हैं। तो ओके बाराती, चलते हैं अपन, ठीक है। अपने बीवी के साथ थोड़ा हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं अपन। वो फर्स्ट राइड में 1000 रुपए का नुकसान दान। वेलकम टू द फर्स्ट राइड। हमारा आई लव फर्स्ट राइड दिखा है ना, वहाँ पे घुस चुका। अरे मैं सीधा जाने वाला था, तो रास्ता भूल गया। वो कब आता है ये ना? मैंने बोला था ना गाइस आप लोग को, मिथिन चक्रवृद्धि चाचा का होटल में आए है बोल के। ये देखे चाचा का 90s का फोटो। ये हो डाउनहिल जो है ना, वहाँ पे हम लोग गए थे। जैसे मैं गाड़ी से उतरा, मेरा आईफोन 13 प्रो हो गया। हाँ बोले आंटी, कहाँ हुआ बोले तो बोले ना पहले। वो लोग बोल रहा है रख को बुला दीजिए, रख भैया को, हम थोड़ा देर के लिए मिलेंगे। हम बोले से अभी थोड़ा थका है, बाद में मिल लेना। नहीं नहीं नहीं, हम अभी मिलेंगे, हम काम में चले जाएंगे। चले मिल लेते हैं, यही बोल रहे हैं। चलो मिल लो, चलो मिल लेते हमारे भाइयों को। मैंने लोकेशन भी नहीं मारा था, तो यहाँ पे हमारे व्यूअर्स आए हुए। क्या हाल चाल बॉन्डे, अरे कैसे हो? एकदम यहाँ पे आया हम, एकदम ठीक, एकदम बढ़िया छोटे। अरे हाँ चलो चलो, ओके ओके, देखते रहे वीडियो। हाँ हाँ, हम बनाते रहेंगे। ओके थैंक यू, बाय बाय, ओके शुक्रिया शुक्रिया। अरे यार थैंक यू सो मच। अरे की हाल चाल, कब से बैठे थे? एक घंटा से बैठा है। बॉबी कहाँ गया? क्या कर रहे है? काट रहा है? नहीं खेल रहा है आपके साथ? खेलता है ना। कैसे माता जी? ठीक है। आ रहे तो अभी भी हमारे व्यूअर्स आए थे, क्योंकि मैंने लोकेशन भी नहीं दिया था, वो लोग आ गए। सो शुक्रिया, मुझे पता भी नहीं था कि यार इतने प्यार करते आते फिर। स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, हम लोग को जाना था 2 बजे, बहुत ही लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा बॉबी और अंकित ना उसका बाइक वीडियोस वगैरह, गाड़ी का कुछ रिव्यू वगैरह वीडियो बनाना था, तो वो लोग गए जस्ट अभी 10 मिनट में आ रहे ऐसे सुना। तो दिन भर हम लोग ऐसे ही खा रहे थे, सो रहे थे, 10 बार भाग चुका हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा GoPro Hero 10 के ऊपर पूरा कवर लगा हुआ है, पूरा सेफ्टी के साथ, ठीक है। आज से होगा मोटो ब्लॉगिंग इस Hero 10 से। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं फर्स्ट राइड करने वाला हूँ इस टाइम। और राइड तो कर लिया हूँ कलकत्ता से सिलगुड़ी, तो सिलगुड़ी में इधर उधर, पर ये प्योर मोटो ब्लॉगिंग फुल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हमारा प्रेम भाई हगने गया है, थोड़ा रेडी हो रहा है, ठीक है। अभी तो जस्ट मैं रेडी हो जाता हूँ, और GoPro का ये GoPro में टाइम लैप्स है, तो उसका थोड़ा सीन चेक कर लीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा रेडी होने के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ पे आ चुका हूँ बॉबी का डोमिनर 400, और मेरा बैग पैकिंग हो चुका है। हमारे प्रेम में पूरा का पूरा हो चुके हैं रेडी, इसका हेलमेट आ रहा है, और मेरा बाइक ना ऊ वाला घर पे रखा है, ठीक है। बाय स्नो, टाटा टाटा। ओए ओए आए वो आए, निविनी मोरम मैंने रखा था ये घर के अंदर बाइक, तो देख सकते हमारा बीवी थोड़ा निकलते इसको बाहर। तो अपने बीवी को देखने के लिए आए हैं सारे बाराती, आप लोग देख सकते हैं। अभी हमारे बाराती से थोड़ा सा फोटो खींचेंगे, क्योंकि अपना दूल्हा जा रहा है फिर से। अरे भाई साहब लो लो लो, तो ओके बाराती चलते हैं अपन, ठीक है। अपने बीवी के साथ थोड़ा हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं अपन। हो चुके रेडी, चले माता जी 2 दिन बाद आते हैं, आपको करते हैं प्रणाम। हाँ बैठ गए अपन अपने बीवी को, राम राम राम। तो फाइनली हमारा राइड स्टार्ट हो चुका है गाइस। कॉफी भाई, थोड़ा थोड़ा ना अभी ना थोड़ा ठंड लग रहा है, क्योंकि हवा वेदर थोड़ा सा खराब है। 5 किलोमीटर नहीं आया, ठंड लग रहा है। ऊपर से राइडिंग जैकेट पहना है ना, तो पसीने पसीना से ये पूरा भीग गया है। आज की शाम खरसंग के राइड के नाम, चीयर्स। तो ओके गाइस, चाय वाय भी सब खत्म हो गया, तो थोड़ा सा मेरा ना हाथ दर्द कर रहा, तो मेरा अपना ग्लव्स लगा लेता हूँ। प्रेम भाई मजा आ रहा है ना राइड में? बहुत मजा आ रहा है। वो फर्स्ट राइड में 1000 रुपए का नुकसान दान। लेट्स स्टार्ट द राइड गाइस। ठंडी हवा थी जो आई, संभालो हमको कभी न जाए, सहलाए संभालो हमको। कहाँ गया अपना दोस्त? अरे मैं सीधा जाने वाला था, कहाँ गया? वो रास्ता भूल गया, वो कब आ बैठे ये ना? चल 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 चल। तोड़ गए जब तुम झुके, तब
जब से तुम नजर तो अभी अभी हम लोग मेन पॉइंट यानी कि हमारा आई लव फरसंग जो लिखा है ना वहाँ पे घुस चुके तो फाइनली ये गरम था गाइस। तो फाइनली अपन लोग आ चुके हैं माउंटेन के इलाके में और अभी यहाँ पे हम लोग रेस्ट करके जाएंगे सीधा हॉन्टेड प्लेस जो कि बिना मुंडी वाला आदमी आज आपको वीडियो में दिखने को मिलेगा। ठीक है भैया दिखाएंगे ना? यस भैया। अरे भैया से हम मिल भी चुके जो कि हम कल भी मिले थे। बहुत ही मजा आ रहा है यार, एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था। ठीक है अभी सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं और अपना बाइक को ना थोड़ा इधर ही पार्किंग में लगा देते हैं। ठीक है अरे हेलो हेलो। तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले, थैंक यू सो मच। जी जी जरूर। वो भाई जैसे भी आया बहुत ही हो गया, बिना लोकेशन भी मैं कहीं पे नहीं दिया हूँ क्योंकि YouTube से ना मैं बहुत ही लेट चल रहा हूँ आजकल। बिग फैन। थैंक यू थैंक यू। चप्पल हाई कोरियन। हेलो। ये बैग है ना बहुत ही भारी है गाइस, चिपक जाता है पूरा। तो चलो द काइजर होटल इतना बढ़िया दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पे पूरा चिकना लग रहा है। तो अंदर जाके दिखेंगे हम उसका, मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं उसका भी हम आपको रिव्यू देंगे। ठीक है तो चलते हैं सीधा होटल के अंदर। ओ भाई कुछ दिन पहले कहा था अभी कहा हूँ गाइस, मतलब अभी तो सफर बहुत ही तो बस शुरुआत है। हाँ दिखने में बहुत ही सेक्सी है गाइस। ओह स्वाद आ गया। तो यहाँ पे हमारा सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे अभी ना चेक कर दिया। ठीक है तो अभी जाते सीधा ऊपर। मैंने बोला था ना गाइस आप लोगों को मिथिन चक्रवर्ती चाचा का होटल में आए हैं बोल के। ये देखे चाचा का 90s का फोटो। ओह माय गॉड क्या चिकने तरीके से बैठे हुए। आई होप कि हम मिथिन चक्रवर्ती दादा को मिलेंगे, हम मिस कॉल करेंगे कल परसों आ जाएंगे कुछ भी। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले फ्लोर में आ चुके जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो चलते अपना रूम की तरफ जो कि रूम भी एकदम ही बढ़िया एकदम लग्जरी टाइप के आपको नजर दिखने। ओ भाई इतना नेचर नेचर है गाइस। ओ प्रेम भाई आज रात को तो समझ रहे हो, समझ रहे हो नागिन चल रहा है। ओ भाई नागिन अभी तक एपिसोड खत्म नहीं हुआ। बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गए गाइस, थोड़ा सा मैं फ्रेश हो लेता हूँ। ठीक है 20 minutes later. So, hey guys, मैं अभी फ्रेश हो चुका हूँ। ठीक है और मेरा वॉइस ना थोड़ा सा गला बैठ गया है यहाँ का ठंडे का रास्ता की वजह से। तो अपन लोग निकल चुके हैं। दादा अलिकति त्यो भुतियाको कहानी भन्ने न नेपालीमा। भुतियाको कहानी चाहिँ भाई भूत छ भने एउटा सबैले जाना माना चाहिँ अब उमा जाने चाहिँ हरर पॉइंट भन्छ त्यति मात्रै हो। तो ओके गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं हॉन्टेड प्लेस का वो बिना मुंडी वाला लड़की देखने के लिए। हम लोग बैठ चुके हैं गड्डी में, अपने बाइक में नहीं जाएंगे क्योंकि रात को ना बहुत ही डर रहता है। अगर बाई चांस हम तो चले जाएंगे पर पीछे तो प्रेम भाई होगा। तो हमारा और आप बेबी को बोलते हैं बाय बाय, ठीक से रहना बेबी। तो फाइनली गाइस अपन लोग डाउन हिल के यहाँ आ चुके। ठीक है जो मेन पॉइंट बोला था बोला गया था अपन जो हंटेड प्लेस है वहाँ पे आ चुके हैं। पर यहाँ पे अभी ना लोग भी रहते हैं, जो कहानी था एकदम ही डरावना वो पहले वाला था। तो अभी अपन लोग आए हैं तो देखेंगे अगर कुछ हमको मैसेज हुआ तो हम आपको बोलेंगे। हम ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएंगे और गाड़ी से ट्राई करेंगे। उतरी नहीं है उतरना हो गया ला सच में जाएगा ना, मजाक नहीं करेगा अभी, मजाक मत करा। चलो माँ कसम बोलता हूँ गाइस जिंदगी में ना जैसे अभी गाड़ी में उतरा ना मतलब कुछ अजीब सा फील हुआ। इस बार मैं ओवर एक्टिंग ज़्यादा नहीं करूँगा, जो है आपको रियल दिखाऊंगा क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं। पर मेरे को ना जैसे निकला कुछ हवा ही अलग ही टाइप का और यहाँ पर पेड़ जो है ना धूपी का पेड़ बहुत है एकदम ही डरावना टाइप का है। डाउन हिल प्लेस ज़्यादातर वर्ल्ड में ना एक भूतिया मतलब हॉरर प्लेस से ही जाना जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं डाउन हिल जो है ना वहाँ पे हम लोग गए थे, जैसे मैं गाड़ी से उतरा मतलब कुछ महसूस हुआ कि हाँ अलग ही टाइप का महसूस हो रहा था वहाँ पे मेरे को, खाली मेरे को, उन लोग को कुछ भी नहीं हुआ। ठंड भी बहुत ही ज्यादा था, सबसे ज्यादा डर मेरे को लग रहा था इस बार लाइफ में फर्स्ट टाइम जैसे मैं वहाँ पे उतरा यानी कि कुछ महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। और वो लोग बोल रहा था कि जाएंगे थोड़ा चल के ऊपर तक, तो मेरा मन ना मेरा माना नहीं मत नहीं रख मत जा। तो जब ऐसा होता ना तब जाना नहीं है ठीक है, तो मैं इसलिए मैं गया नहीं हूँ। तो अभी हम लोग रूम में जा रहे हैं, कल आपको सुबह हम दिखाएंगे डाउन हिल का। ठीक है हम लोग कहाँ पे गए थे, क्या सीन है क्या नहीं। सुबह जाएंगे तो मैं जहाँ पे भी चला जाऊँगा, पर रात का सीन है तो थोड़ा डरावना और फील अच्छा नहीं है था ना वहाँ पे, तो इसलिए आगे। A few moments later. तो अभी ना मेरे को डाउन हिल जाके ना बहुत ही डर लग रहा था, तो अभी ये मंदिर आए हैं तो थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। कसम से गाइस मेरा कुछ भी हालत ठीक नहीं हो रहा और ज्यादा और वो थिंकिंग भी अजीब अजीब आ रहा है, जैसे वहाँ पे पैर रखा मेरे को सच में गाइस। मैं उस टाइम जो बोलता हूँ जो जंगल वाला ट्रिप जो एडवेंचर किया था ना वो मैंने स्क्रिप्टेड कभी कभी कुछ कुछ ओवर एक्टिंग किया था, पर जिस टाइम ना कसम मेरा फट गया। तो चलते आ जाओ थोड़ा पूजा।
तो अभी अभी ना मेरे मन में बहुत ही डरावना वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा था, तो मैंने 3-4 जगह मतलब भगवान का प्लेस में जाके थोड़ा सा दर्शन कर लिए एकदम मन से, और यहाँ पे पूरन हो रखा था यहाँ पे भी दर्शन कर लिए, और अभी थोड़ा लगभग थोड़ा हल्का ग्राउंड फ्लोर में आ चुके हनीमून गार्डन कब मनाएंगे हम लोग कसम से गाइस, अभी अभी जो चुतिया पैक किया ना इन लोगों ने, मैं कसम जितना भूत से डरा था उससे डबल मेरा फट गया था, मेरा आईफोन 13 प्रो हो गया, प्रैंक कर रहा था ये। वो दीदी था ना, दीदी भी मिली हुई थी जहाँ पे वो रिसेप्शन पे, वहाँ पे दीदी था ना, दीदी बोले सर कैन आई टेक पिक्चर विद यू, तो सर बोला ना यार, मतलब मैंने दीदी को बोला दीदी आप मेरे को सर मत बोले, मैं आपका भाई जैसा हूँ, तो थोड़ा सा मुस्कान थे, अच्छा लगा। ट्रेवल के बाद, थकान के बाद, भूत का पेस देखने के बाद, होटल में रहने के बाद, यहाँ पे हमारा थाली आ चुके हैं, यहाँ पे है चिकन, फिर अचार, आलू दम, किनीमा, ओ माय गॉड किनीमा जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, और यहाँ पे है राइस साग, यहाँ पे है दाल, यहाँ पे हमारा नेपाली राइस, और यहाँ पे हमारा नेपाली थाली। प्रेम भाई बहुत ही भूखे थे तो इसलिए धमाधम खा रहे बिना बात किए हुए, अंकित गुरु जी और हमारे भाभी भाई। तो कल हम आपको दिखाएंगे नजारा, ब्लॉग्स वगैरह, क्योंकि अभी तक जिंदगी में ना मैंने खरसंग का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, आज का शायद ब्लॉग यही था। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, प्यार और सपोर्ट ऐसे बना रहेंगे, हम पूरा दुनिया में हिला देंगे, तब जब तक आपका सपोर्ट बने रहेंगे। चैनल पे अगर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा मेहनत वगैरह देख रहा था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो टिल देन मिलते हैं कल सुबह कांची तिम्रो रैक 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 डैक डैक डैक।